ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है भाई, इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सीरियस होकर भी लड़की को देख लेना, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। तो ऋतिक भाई बात बताओ, आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है, आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए? सर आपके पास जो है, अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती। सही सही बोला कि नहीं? घुमा के मार दिया मेरे पे। कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार, यू शुड बी थैंकफुल। आई एम थैंकफुल वेरी मच। इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ। ये तो बिल्कुल वहाँ। सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती जो क्या व्हाटएवर। अच्छा ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदड़ो, जो कहानी है 5,000 साल पुरानी। तो ऋतिक भाई, जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5,000 साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी, वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी। अच्छा, तो मैंने लगाया 300 दिन। अच्छा, उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी। ओके। और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट। पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी। आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ इन पे अटैक करता है। और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं। जोधा अकबर में उन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की। भाई एक बात बताओ, विलेन क्या खत्म हो गए आप? अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप? वैरायटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं, वैरायटी तो ठीक है भाई, जैसे मैंने इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है। आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा। पर आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो, शेर का क्या पता भाई। शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो। अच्छा आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने वो नीचे है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला उड़ के उनके चला गया? ऐसे होता है वैसे? सर वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवा ही बड़ी आती है। फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही धुल के वापस अंदर डालो। बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो। घूम फिर के कच्छे पे ही पहुंच जाता था। बहुत से ऐसे लोग जो कच्छा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं। Why not? Liberation. अच्छा ऋतिक भाई, बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं, बड़ी बहुत चूज नहीं करता हूँ। हाँ, मतलब कुछ चूज करता हूँ। पर आप साल में एक हाथ फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है। नहीं नहीं, हाफ अ फिल्म, मतलब दो साल में एक। मेरी एवरेज हैज कम डाउन टू हाफ अ फिल्म, सो आई हैव टू बिल्ड ऑन दैट नाउ। पर जैसे आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट, आई एम ऑन इट। पर जैसे ऋतिक भाई, आई एम वेरी अवेयर। नहीं, पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम लेके करो। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है, अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स? हाँ होते हैं। 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं यार, किधर है तेरे को भी एक। क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ दो फिल्में की हैं। जोधा अकबर भी काफी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफी समय लगा। मोहनजोदड़ो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है। सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं, मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी। बिलीफ है, बिलीफ, मैं ढूंढूंगा। आप यकीन नहीं करोगे ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान व्हाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट बदली भी नहीं, उन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए। हो सकता बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता। पर वैसे ऋतिक भाई, जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो, जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया। जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो, आपके फैंस जानना चाहते हैं?
जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ, मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ। इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या बात है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल बच्चे शरारते करते हैं, किसी की बेल बजा के भाग गए, माचिस जलाई, पर्दे में आग लगा दी, ऐसे जो सुपरस्टार होते हैं वो भी बचपन में ऐसी शरारतें करते हैं। मैं पॉइंट पे आता हूँ, कभी राकेश सर ने आपको पीटा है बचपन में कोई शरारत की हो तो? ये सीरियस बात ना करें आप, बहुत पीटा है मेरे बहुत बहुत पीटा है मुझे। किस किस वजह से आपको मार पड़ती थी? क्या है ना कि मैं बच्चा था यार, तो यू नो इट्स अलाउड। एक दिन पता नहीं मुझ में कैसा भूत आ गया, तो मेरे टेरेस पे ना जी बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स थे। अच्छा, बड़े मतलब एम्प्टी थे, कांच के। आई यूज्ड टू लिव ऑन द 13th फ्लोर। बॉटल्स देखे मैंने, नीचे देखा, 13 फ्लोर्स डाउन। हाउ अ बॉटल विल फॉल आई वांट टू नो। तो मैंने एक बॉटल लिया बहुत मजा आया, इतना मजा आया, मैं क्रेट उठा के मैं यहाँ पे रखा, या डिस्काउंट। मैं लोगों को देख रहा हूँ, मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही है बात के, यार किसी को लग गई तो लग जाएंगे। लकीली नो वन गॉट हर्ट, देन माय फादर केम, उसके बाद नहीं बता सकता हूँ मैं। इन्होंने भी निशान लगाया है। अच्छा देख लो, बड़े लोग हैं ना तो ऐसी चीजों से, खाली बोतलों से निशाने लगा रहे हैं। हम जैसे होते तो कबाड़ी को बेचते जाके, एक बोतल का 1 रुपया मिलेगा, 12 बोतलें 12 रुपए। तो देवी और सजनों, आपको ये जान के खुशी होगी कि ऋतिक जी की सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुनैना जी कैसी हैं आप? I'm fine, कपिल जी, how are you? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ, और आपको देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। अब बताइए, ये खुशी इसीलिए हो रही है क्योंकि सारे जो सीक्रेट्स हैं वो दीदी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, करेक्ट? इसीलिए हम आप पे कट टू पॉइंट आते थे, ये घुमा फिरा के। इन्होंने तो एक छोटी सी बात बता दी हमें, मेन चीज आप बताएंगी अभी, ये क्या क्या करते थे बचपन में? He would hate anybody touching his hair. If by mistake you've touched his hair, you're finished. अच्छा, and that still goes on today. Even now if you try and touch his hair, you know, sisters and brothers. जी. This is why they have fights, because sisters always lie. That's not true. She can't lie. She has a divine face. कभी बोल नहीं सकती। और बताइए आप, बोलिए आप। And yeah, he would not eat. He's got a lot of beatings from dad and mom. मैं खाता नहीं था। He was never into eating. मेरे father बड़े शौक से परांठे, भुर्जी, भुर्जी में jam, jam में cheese, ये में वो सब डाल के फेट फेट करके, मतलब रुको, come on. तो आपने खाया? Breakfast. तो काफी स्ट्रगल करके आप सुपरस्टार बने, ऐसे नहीं। और क्या, काफी मार खाई ऋतिक रोशन ने, क्या बात है। अभी मोहनजोदड़ो में जब आप मुझे देखते हो तो ये गुस्सा आप उनको, कहां से आ रहा है वो गुस्सा? बचपन की यादें। तो राकेश सर का गुस्सा आप कबीर बेदी सर पे निकाल रहे हो? आप सब निकाल। And Kapil ji, there's a friend of mine over here. He would just like to tell you a few things. ये भी इंग्लिश ही बोलते हैं आपकी जैसी? नहीं नहीं, भारतीय हूँ, भारत हिंदी में ही बात करेंगे। शुक्र है। ये ऐसा है कि मुझे कहना है आपसे कि आपने लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया इतने सालों से। जी सर। मैं ये स्पेशली आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने बहुत लोगों को हील भी किया, उनमें से मैं एक हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरी टांगों में। 2 साल मैं बहुत दर्द में रहा। किसी थेरेपिस्ट ने कहा कि हंसो, हंसो, इतना हंसो कि जब दर्द हो तो हंसना। और किसी ने रेकमेंड किया कि कपिल का शो देखिए। मैंने देखा और मैं हंसा, बहुत हंसा मैं इतना हंसा, हंस हंस के, जब मैं हंसता था मेरी टांगों की दर्द कम हो जाती थी और मुझ में जान आ जाती थी। तो मैं सबसे कहूंगा कि जो भी दर्द में है, तो दिलों का दर्द, फिजिकल एक्सीडेंट, पेन, प्लीज कपिल का शो देखिए। और आपका ये थेरेपिस्ट ही है, थैंक यू सर, एंटरटेन भी नहीं करते, ये सबको हील भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सही बात, काइंड वर्ड सर, थैंक यू। सही बात थी ये, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। अच्छा सर, आप जाते हैं डॉक्टर, आपको बोलते हंसा करें, मेरे को बुखार हो, मैं डॉक्टर पास गया, मेरे से पैसे ले लिए उसने। हमारे साथ उल्टा ही होता है। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बचपन का सर,
लास्ट ओके चलते बचपन का लास्ट क्वेश्चन ऐसे मतलब जैसे आप तो वैसे खाने के शौकीन नहीं थे पर फिर भी पूछ लेता हूँ जैसे घर में कोई मेहमान आता ना तो हमारे लिए मेहमान मेहमान नहीं होता हमारे लिए होता समोसा हाँ क्योंकि मेहमान आएगा तो समोसे भी आएंगे और हमें मेहमान के आने की खुशी नहीं होती हमें जाने की ज़्यादा होती है जैसे मेहमान गया मेहमान की एड़ी अभी ऐसे उस पर होती है वो डोर के आधी अंदर ही होती है हम जाके समोसा उठा लेते हैं हम देखते भी नहीं चटनी कहाँ चटनी ऐसे चटनी यहाँ से होती हुई हमारे मुँह में जा रही होती आपने कभी ऐसे किया ऋतिक भाई हाँ क्या है ये जो एक्शन है ना आपका जी वैसा एक्शन किया है मैंने ऐसे वाला हाँ समोसे के साथ कुछ गिर विर रहा है आई हैव ईटन फूड लाइक दैट यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ लेकिन इतना मतलब कि मेहमान जा रहा है उसके जाने के पहले वो सब नहीं किया इतना भी नहीं ऋतिक भाई आप इतना एक्शन करते हो काफी सारी एक्शन फिल्में की हैं आपने इंजरीज तो होती होंगी है ना तो कभी आप हॉस्पिटल गए हो इंजेक्शन लगवाने के लिए आजकल तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्यों सब जान गया हूं मैं आई ब्रोकन एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी सब सीख गया हूं मैं अभी तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है नहीं पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता इंजेक्शन इधर लगाना है तो वो तो नर्स ही लगाएगी ना तो कभी आप इंजेक्शन लगवाने गए और कभी ऐसा हुआ दो नर्सों के बीच में झगड़ा हो गया नो नो आई विल पुट द इंजेक्शन ऐसे हुआ भाई वैसे कभी मेरे सामने तो नहीं हुआ ना। नहीं होगा तो आपके पीछे आई नो बट तो पर वो आपने मेरे क्या हुआ ऑडियो सुना कभी आपको कि दो नर्सें लड़ रही हैं नहीं नहीं अच्छा नर्सें लगाती भी नहीं होंगी ना डर के मरी हाँ ऋतिक लगना जाए कहीं इंजेक्शन यहाँ ले जाके ना इसकी सिरिंज यहाँ से निकाल के इधर ही निकाल देती होंगी दवाई ये तो दुआ से ही ठीक हो जाएंगे इतना प्यार करते हैं लोग जोरदार ताले होंगे ऋतिक भाई के लिए अच्छा इनकी कोई फोटो कहीं से भी ले लो ना इनकी अच्छी आती है पता नहीं कैसे पता नहीं मतलब खूबसूरत इसीलिए आती है हमें ध्यान रखना पड़ता है मेरे को ना ऋतिक भाई मेरे को आता नहीं है ये फोटो शूट करवाना आपकी मैंने सारी पिक्चर देखी है हर फोटो कोई भी फोटो आपकी तो लाइसेंस पे भी अच्छी आती होगी आई एम श्योर हमारे दो चार फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे काफी सारे मीडिया से भी लोग बैठे हुए हैं एक कैन यू टीच मी सम पोज हाउ टू पोज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग या ऑनेस्टली जी What is going to show is what you're feeling inside. I'm feeling hungry like. Aisi aayegi photo. Acha. That is why. Okay. You're not happy with your photographs. तो जैसे हैप्पी दिखाने तो कैसे? तो क्या what do you want मतलब जब आप अपने फोटो को आप देखोगे तो आपको अंदर की फीलिंग what do you want? What do you want to? मैं चाहता हूँ कि handsome दिखूँ. Handsome दिखो. आपके जैसा तो नहीं. So feel handsome, baby. Come on. Feel handsome, put your hands in the pocket. दादा, अब दादा मैं बुलाता हूँ लाइव करके देते दादा इसीलिए मैंने फोटोग्राफर भी ऐसे रखे जो ज्यादा हैंडसम नहीं है और दादा आपने फोटो खींचनी है जैसे ऋतिक सर पोज करेंगे वैसा ही मेरा आना चाहिए ठीक है कर रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ मैं पक्का करूंगा सर cool, 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 baby, cool. Hey baby cool. Hey cool. That's it. I like it. क्या क्या कैसे करूँ? एक एक पोज़ करना है. कुछ नहीं करना है. बस खड़े होना है अंदर में cool. आ जा. Cool. Cool man. Show me what you have done. What? Show me. Show me you racist. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ. ये देखो इनकी फिर भी अच्छी आई है. मेरी फिर अभी तो मैं cool था. अभी क्या नहीं नहीं we are doing something wrong. We are doing something wrong. इस वक्त जो फीलिंग है जी वो एक खुशी की फीलिंग है जी तो वी शुड नॉट ऑल्टर एंड मैनिपुलेट खुश हैं हम खुशी खुशी एक फोटो देते हैं आ जाओ आप अच्छी फिल्म आ रही ना मेरे तो मेरे को किस चीज की खुशी मैं तो वैसे ही मैं तो शनिवार इतवार इधर ही पड़ा रहता हूँ ना लेकिन आपके साथ मैं हूं ना इस वक्त इस बात की तो खुशी है मुझे थोड़ी भी नहीं उसके बाद लेट्स गो ब्रो आई एम वेरी हैप्पी ऑलराइट ये देखना फोटो आउट ऑफ द स्टेडियम अगर अभी ना दास दादा आपकी आई तो इसका मतलब आपका कैमरा खराब है वेरी नाइस इट्स वेरी नाइस पिक्चर ब्रो माइंड ब्लोइंग है सुपर्ब थैंक यू दास दादा खुश रहिए शुक्रिया